नमस्कार, आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सितंबर मंथ की करंट अफेयर सीरीज का पार्ट टू। पार्ट वन अगर आपने नहीं देखा है तब आप पहले जाकर के उसे देख लीजिएगा। और पार्ट वन में जो था हमने 60 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। पार्ट टू में जो है हम 50 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और देखिए, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हो जिसमें कि करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हों, तब आपके लिए क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ये आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, तो इसीलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 के साथ। सो क्वेश्चन है, पुनः प्रयोज्य GSLV-M के थर्ड लॉन्च वाहन विकसित करने के लिए कौन सा संगठन प्रौद्योगिकियों पर काम कर रहा है? ये कौन सा संगठन है? ये है ISRO। देखो, ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पर बात करें, क्वेश्चन नंबर 62 है, किस मंत्रालय ने एक पहल ड्राइवर नामक एक अखिल भारतीय विशेष अभियान शुरू किया है? तो ये किसने स्टार्ट किया है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो है इसने एक पहल ड्राइवर नामक एक अखिल भारतीय विशेष अभियान शुरू किया है। सो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के साथ किस संगठन ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किस संगठन ने हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड इसके साथ जो है पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो है इसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, किस संगठन के साथ नीति आयोग ने भारत के 112 आकांक्षी जिलों में छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए भागीदारी की है? तो किस संगठन के साथ? बायजूस के साथ। सो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बायजूस के साथ जो है नीति आयोग ने भारत के 112 आकांक्षी जिलों में छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए भागीदारी की है। देखिए, 112 आकांक्षी जिलों में छात्रों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी और ये जो एजुकेशन दी जाएगी हाई क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी बायजूस के द्वारा। जो भी यहाँ पर एजुकेशन का इन्होंने प्रावधान रखा है ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड होगी और बिल्कुल फ्री जो है वो एजुकेशन दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 63 जो है, किस देश में स्थित भारतीय उच्चायोग ने 57वां भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग दिवस मनाया है? तो किस देश में स्थित? बांग्लादेश में स्थित जो है भारतीय उच्चायोग ने 57वां भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग दिवस मनाया है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं, हाल ही में शुरू की गई योजना के तहत किस संगठन ने 50,000 युवाओं को प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है? तो किस संगठन ने लिया है? ये है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। सो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो है इसने 50,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है। क्वेश्चन नंबर 65 जो है इसकी बात कर लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इंटरनेशनल इक्वल पे डे जो है ये हम मनाते हैं 18 सितंबर को। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 है, हाल ही में महिलाओं की 1500 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने तोड़ा? ये किसने तोड़ा है? हरमिलन कौर बेंस ने। सो ऑप्शन बी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 है, क्वेश्चन नंबर 67 है, किस राज्य ने कपूर महसीर घोषित किया है जिसे स्थानीय रूप से केटली नाम दिया गया है, इसे राज्य मछली के रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सिक्किम। इस क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, तो देखो, सिक्किम सरकार ने मछली के महत्व पर जोर देने और इसके संरक्षण उपायों पर जोर देने के लिए कपूर महसीर को राज्य की मछली के रूप में स्थानीय रूप से केटली नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 है, ISRO के तहत अंतरिक्ष विभाग ने किस संगठन के साथ अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान विकसित करने के लिए एक रूपरेखा समझौता किया है? तो ये किस संगठन के साथ किया है? अग्निकुल कॉस्मोस। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 है, विश्व बांस दिवस किस तारीख को मनाते हैं? तो विश्व बांस यानी कि वर्ल्ड बैम्बू डे जो है ये मनाते हैं 18 सितंबर को। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 70 है, कौन सा संस्थान हर साल क्राइम इंडिया रिपोर्ट जारी करता है? तो हर साल क्राइम इंडिया रिपोर्ट जो है ये जारी करता है
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 71 है, किस राज्य ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले नौकरशाहों के खिलाफ सर्कुलर जारी किया है? तो किस राज्य ने जारी किया है? कर्नाटक ने, कर्नाटक गवर्नमेंट ने। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कर्नाटक गवर्नमेंट ने जो है हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले नौकरशाहों के खिलाफ सर्कुलर जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 72 है, किस राज्य ने स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए दक्षिणी एशिया के सबसे बड़े उत्पाद विकास केंद्र डिजिटल हब का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? ये किया है केरला ने। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। केरल राज्य ने स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए दक्षिणी एशिया के सबसे बड़े उत्पाद विकास केंद्र डिजिटल हब का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है, नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 75 फुलवारी केंद्र शुरू करने के लिए तैयार है? तो किसमें? मध्य प्रदेश में। सो ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 है, कौन से दो देश रक्षा अभ्यास समुद्र शक्ति में भाग लेने के लिए तैयार है? तो ये कौन से दो देश हैं? ये हैं इंडिया एंड इंडोनेशिया। ये जो है रक्षा अभ्यास समुद्र शक्ति में भाग लेने के लिए तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 है, संसद में एपिडा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो एपिडा अधिनियम जो था संसद में 1985 में पारित किया गया था। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और यहाँ पर अगर हम बात करें एपिडा की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एग्रीकल्चरल एंड प्रोसीड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट। हिंदी में हम इसे कहते हैं कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 है, आधार आधारित ई KYC, स्व KYC, OTP आधारित रूपांतरण भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए सुधारों का एक हिस्सा है। तो किसका? टेलीकॉम रिफॉर्म्स का। सो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 है, VR चौधरी जो हाल ही में खबरों में हैं किस संगठन से जुड़े हैं? तो VR चौधरी जो हैं ये जुड़े हैं इंडियन एयरफोर्स से। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं VR चौधरी की। तो इनके बारे में अगर हम बात करें तो VR चौधरी जो हैं ये वायुसेना के अगले चीफ मार्शल के रूप में नियुक्त किए जाएंगे, और ये जो है चीफ मार्शल RKS भदौरिया जो हैं इनका स्थान लेंगे। RKS भदौरिया जो हैं ये 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो जाएंगे और उसके बाद कार्यकाल संभाल लेंगे VR चौधरी। VR चौधरी जो हैं ये दिसंबर 1982 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए कौन सा संगठन सेलिंग रिगाटा और सेल परेड आयोजित करने के लिए तैयार है? तो ये कौन सा संगठन है? ये है इंडियन नेवी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इंडियन नेवी जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए सेलिंग रिगाटा और सेल परेड आयोजित करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 है, UGC के सहयोग से किस मंत्रालय ने समावेशी शासन सुनिश्चित करना, प्रत्येक व्यक्ति को महत्वपूर्ण बनाना एक वेबिनार का आयोजन किया है? तो किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। सो ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है, CBSE और NCERT पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए हाल ही में गठित 12 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये कौन है? ये है कस्तूरी रंगन। ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 है, खबरों में रही तांगानीका झील कितने देशों द्वारा साझा की जाती है? तो तांगानीका झील जो है ये 4 देशों के द्वारा साझा की जाती है। तो चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं तांगानीका झील की। तो देखिए तांगानीका झील की अगर हम बात करें तो 4 राज्यों, ऐसे कौन कौन से 4 राज्य हैं जिनके द्वारा ये साझा की जाती है? तो ये है तंजानिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, बुरुंडी और जाम्बिया। इनके द्वारा जो है तांगानीका लेक जो है साझा की जाती है इन 4 देशों के द्वारा। और इसी लेक की अगर हम बात करें अदर पॉइंट्स की, तो देखो ये दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी, दुनिया की सबसे गहरी और सबसे लंबी मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 है, हाल ही में किस राज्य ने धार्मिक संरचना या संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया है? तो ये किसने पारित किया है? तो ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, कर्नाटक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 है, ओडिशा वन विभाग ने पशु मानव संघर्ष को खत्म करने के लिए किस जानवर पर रेडियो कॉलर लगाने का प्रस्ताव रखा है? तो ये कौन सा जानवर है? ये है एलिफेंट।
सो ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 है, ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम फॉर रूरल प्रोस्पैरिटी रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई। तो किस संगठन द्वारा जारी की गई, IFAD। सो ऑप्शन ए सी जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। IFAD की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 है, जस्टिन ट्रूडो तीसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो जस्टिन ट्रूडो जो हैं ये तीसरी बार जो हैं कनाडा के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। सो ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निवेशकों और व्यवसायों के लिए राष्ट्र एकल खिड़की प्रणाली शुरू की गई है। तो किसके लिए, सिंगल विंडो फॉर अप्रूवल एंड क्लियरेंस। सो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 है, भारत ने हाल ही में किस खतरनाक रसायन के भंडारण के नियमों में ढील दी है। तो भारत ने हाल ही में अमोनियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट जो है इस खतरनाक रसायन के भंडारण के नियमों में ढील दी है। तो देखो 87 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 है, किस बैंक ने वित्त वर्ष 2026 तक स्थायी वित्त पोषण के लिए भारत में 30,000 करोड़ रुपए का ऋण देने का वादा किया है। तो ये कौन सा बैंक है, ये है एक्सिस बैंक। सो ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 है, किस संगठन ने स्वदेशी चार्ज विकसित किया है। तो स्वदेशी चार्ज जो है ये विकसित किया है ARAI ने। सो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। ARAI की फुल फॉर्म रहती है इन ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 है, किस राज्य ने हाल ही में ऑनलाइन गेम्स ऑफ चांस पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पारित किया है। तो किस राज्य ने पारित किया है, कर्नाटका ने। सो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 है, क्वेश्चन नंबर 91 है, भारत की किस तकनीकी पहल ने डिजिटल प्रौद्योगिकी का सर्वश्रेष्ठ उपयोग श्रेणी के तहत खरीद पुरस्कार 2021 में CIPS उत्कृष्टता प्राप्त की है। तो किसने की है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने। सो ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 है, किस संगठन ने जलवायु संकेतक और सतत विकास अंतर संबंधों का प्रदर्शन शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। तो ये किसने जारी की है, WMO ने। सो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका जो है करेक्ट आंसर है। WMO जो है इसकी फुल फॉर्म रहेगी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 है, KBIC ने हाल ही में किस राज्य में तूसर सिल्क यार्न प्रोडक्शन सेंटर की स्थापना की है। तो तूसर सिल्क यार्न प्रोडक्शन सेंटर की स्थापना जो है कहाँ पर की गई है, ओडिशा में। सो ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 है, किस मंत्रालय ने भारतीय स्टार्टअप और उद्यमियों के लिए प्लैनेटेरियम इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है। तो प्लैनेटेरियम इनोवेशन चैलेंज जो है ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। सॉरी, इसका आंसर जो है ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 है, 2021 का वैश्विक गोल कीपर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो 2021 जो है इसका वैश्विक गोल कीपर पुरस्कार जो है ये मिला है फुलमिंजो मिलवांबो, कुछ अलग सा ही नाम है। ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट है, फुमजीले मलाम्बो नागपो का। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 की हम बात कर लेते हैं, जलवायु परिवर्तन के संबंध में हाल ही में किस दक्षिणी प्रशांत महासागर के देश ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का रुख किया है। तो किसने किया है, वानुआतु ने। सो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 है, कौन सी संस्था भारत में डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म संचालित करेगी। तो ये कौन सी संस्था रहने वाली है, ये रहेगी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। सो ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 है, हाल ही में खबरों में रही ज्योति सुरेखा वेनम किस खेल से जुड़ी हैं, किस खेल से जुड़ी हैं, आर्चरी से। सो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 है,
न्यूयॉर्क में आयोजित सूचना और लोकतंत्र शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो किसने किया था? अनुराग ठाकुर ने। सो ऑप्शन बी यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 है, बंगाल की खाड़ी में विकसित हुए तीसरे सितंबर चक्रवात का नाम क्या है? तो इस चक्रवात का नाम क्या था? इसका नाम था गुलाब। सो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्कर डेविड पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो लास्कर डेविड पुरस्कार जो है ये संबंधित है साइंस से। सो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 है, दिल्ली सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए पर्यटन ऐप का नाम क्या है? तो इस ऐप का नाम जो है वो है देखो मेरी दिल्ली। तो देखो 102 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और देखो पीडीएफ की अगर मैं बात करूँ तो आपकी जो इसकी पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 है, त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण देश के कितने क्षेत्रों में रोजगार और संबंधित चर प्रदान करता है? तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 है, क्या है आकाश प्राइम जो हाल ही में सुर्खियों में रहा? तो आकाश प्राइम जो है क्या है? न्यू वर्जन ऑफ आकाश मिसाइल। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रीट्स टॉलरेंस कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये है रायपुर में। सो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो देखो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इसी तरह की अगर आप और वीडियोस पाना चाहते हैं तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और देखिए पीडीएफ जो है वो आपको इसकी हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो देखो ये था आज का हमारा लेक्चर, आप होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।